चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान स्टेट की MBBS BDS काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 21 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसकी जो वेबसाइट रहेगी वो www.rajneet2021.com रहेगी। वेबसाइट फिर से बता देता हूं, www.rajneetug2021.com। ये अभी फंक्शनल नहीं है, कल से ये वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वेबसाइट पर राजस्थान स्टेट 85% कोटा के लिए इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इसका शेड्यूल जारी हो चुका है काउंसलिंग का, मैं इसमें आपको शेड्यूल पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे वो 20 दिसंबर 21 से होंगे। राजस्थान स्टेट का जब फॉर्म फिल किया जाता है तो ये दो पार्ट में होता है, पार्ट वन और पार्ट टू। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपीज पहले ही डिपॉजिट हो जाती है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 1200 रुपीज जमा होती है। तो ये पार्ट वन में ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी, उसके बाद में पार्ट वन की कुछ डिटेल फिल करने के बाद आप पार्ट टू इसमें फिल कर सकते हैं। तो आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों कंप्लीट करने हैं और वो स्टार्ट हो जाएंगे 20 दिसंबर 21 से। इसके बाद में जो लास्ट डेट रहेगी फीस डिपॉजिट की, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पहले ही फीस डिपॉजिट होती है, तो ये 27 दिसंबर 21 शाम 4 बजे तक रहेगी। तो ये डिपॉजिट करने के बाद जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिट करने की, वो 27 दिसंबर 21 रहेगी। इसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए, अभी तीन कैटेगरी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो PWD कैंडिडेट होते हैं, डिफेंस और पैरामिलिट्री के होते हैं और NRI कैंडिडेट होते हैं। इनका पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और वो इस बार जो डेंटल जयपुर करवा रहा है इसकी काउंसलिंग, तो वहां आपको ये डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होंगे अगर आप इन तीन कैटेगरी से आते हैं। तो कैटेगरी है PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री और NRI, तीनों कैटेगरी से आते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाने हैं और इनकी लिस्ट है वो 30 दिसंबर को आ जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो जगह होगी वो RUHS कॉलेज डेंटल साइंसेज जो सुभाष नगर में है, RUHS डेंटल है, वहां आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होंगे पानीपेच के पास। तो ये 3rd January 22 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो नेक्स्ट शेड्यूल आपको बाद में बता दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बाद ही राजस्थान के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, उससे पहले प्रोविजनल लिस्ट वगैरह ये सारा इश्यू हो जाएगा। अभी जो इसमें फीस है वो 2000 रुपीज फीस है, वो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 2000 रुपीज। और जो SC ST ST STA कैंडिडेट हैं और जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है उनकी फीस 1200 रुपए है, यानी 1200 रुपीज उनकी फीस लगेगी। इन कैटेगरी के अलावा जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं उनकी 2000 रुपीज फीस लगेगी। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले ही, फीस डिपॉजिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा पार्ट टू। पार्ट वन पहले करना है, उसके बाद फीस सबमिट के बाद में पार्ट टू करना है। तो ये कंडीशन है अभी राजस्थान स्टेट का और यही शेड्यूल है अभी। इसके बाद में जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा, आगे क्या होगा, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कब पब्लिश होगा, चॉइस फिल आपको कब करनी है, ये आपको लेटर स्टेज में बता दिया जाएगा। तो ये राजस्थान स्टेट के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अभी राजस्थान स्टेट के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अभी बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इनके जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।